बीजेपी ने विकास के नाम पर नागपुर की जनता के साथ फ्रॉड किए जाने का आरोप लगाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2024 को नागपुर शहर में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। करीब 4 बजे बारिश की तीव्रता बढ़ गई, इससे शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। भाजपा ने पिछले 17 वर्षों तक नागपुर महानगर पालिका पर शासन किया, लेकिन भाजपा ने नागपुर का विकास करने के बजाय शहर को उध्वस्त करने का काम किया है, जिसके कारण आज नागरिकों के घरों में पानी घुस गया है। शनिवार को हुई इस बारिश से बीजेपी द्वारा किए गए विकास की वास्तविकता सामने आई है। बीजेपी ने विकास के नाम पर नागपुर की जनता के साथ फ्रॉड किया है। गौरतलब है कि डॉक्टर राउत ने जारी किए वीडियो में कहा है कि महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में एक ही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की पोल खुलकर रख दी, जिससे शहर में कई जगह बारिश के चलते जल भराव देखने को मिला है। कई चौराहों पर निकासी व्यवस्था चौक होने से तालाब की स्थिति बनी थी। पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो यह झांकी था, पूरा मानसून बाकी है, पर इस शहर में जो सड़कों की खुदाई के नाम पर जो मलबा जमा किया गया है वह कीचड़ बनकर फैल गया है। गड्ढों में पानी भरने से मलबा नीचे बैठ गया है, जो वाहन चालकों के लिए खतरनाक हो गया है। शहर के अनेक अंदरूनी सड़कों व गलियों में पानी भरने से नागरिक परेशान होते रहे। शहर की पीली नदी नारा कलमना जरीपटका में काफी बुरे हालात थे। अम्बाजरी तालाब तथा पीली नदी अभी ओवरफ्लो नहीं हुई है, फिर भी शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। अगर बारिश लगातार शुरू रही तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण नागपुर शहर के साथ साथ उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पानी भर गया है, जिससे नागरिकों के घरों में पानी भर गया है। नागरिकों को अपने घरों से पानी निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण नागरिकों के घरों में रखे सामान का नुकसान हुआ है। नागपुर में आज सुबह से करीबन 217 मिलीमीटर की बरसात हुई। इस जोरदार बारिश ने हाहाकार मचा दिया चारों तरफ, और अस्पतालों में, घरों में, धार्मिक स्थलों में पानी घुस गया। लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ। जगह जगह तालाब की स्थिति बन गई है। सड़कों पर मानो नाव चलेगा इस प्रकार से पानी आया हुआ। शहर के निचले इलाकों में घुटनों घुटनों तक के पानी जमा हो गया है। भाजपा ने पिछले 17 सालों में नागपुर महानगर पालिका पे शासन किया, लेकिन विकास के नाम पर ये शहर को उध्वस्त करने का ही काम भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर के बारे में किया है। अभी इनकी सरकार का प्रशासन महानगर पालिका में है, और उस प्रशासन ने पिछली नालों की सफाई करनी चाहिए थी, उसको साफ करके ड्रेनेज व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए थी, लेकिन किया नहीं, जिसके वजह से इस पीएफ पानी फैलने से सब तरफ एक प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है। इस बारिश ने बीजेपी के द्वारा किए गए विकास की वास्तविकता हमारे सबके सामने लाकर खड़ी कर दी है। बीजेपी ने विकास के नाम पर नागपुर की जनता के साथ फ्रॉड किया है। शहर में बह रहे इस नदी नालों ने जो नुकसान यहाँ पहुँचा है, इस सारे प्रकार में महानगर पालिका प्रशासन की उदासीनता स्पष्ट नजर आ रही है। अभी तो यह झांकी था, पूरा मानसून अभी बाकी है। पूरे शहर में जो सड़कों की खुदाई के नाम पर मलबा जमा किया गया, कीचड़ फैल गया, गड्ढों में पानी भरने से मलबा नीचे बैठ गया, और वाहन चालकों को सड़क पर खतरनाक ढंग से अपनी गाड़ियां चलानी पड़ती है और अपनी जान को बचाना पड़ता है। शहर के अनेक को अंदरूनी सड़कों पर गलियों में पानी भरने से नागरिक परेशान होते रहे हैं। शहर की पीली नदी हो, नारा हो, कलमना हो, जरीपटका में काफी बुरे हालत थे, जबकि अम्बाजरी तालाब, नाग नदी, पीली नदी अब कभी ओवरफ्लो हो जाएंगी इसका भरोसा नहीं। बाढ़ जैसी स्थिति आने में बहुत देर नहीं लगेंगी, इसलिए अगर ऐसी बारिश शुरू हुई रही तो इसके गंभीर परिणाम शहर को भुगतने पड़ेंगे। भारी बारिश के कारण शहर के साथ साथ उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पानी भर गया है। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में जगह जगह पर पानी है, और जिससे नागरिकों में बहुत उदासीनता, उनको बहुत शर्मनाक स्थिति को महसूस करना पड़ रहा है। और इस वजह से भारी बारिश के कारण नागरिकों के घरों में रखे सामान, अनाज, कपड़े इत्यादि का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अतः मनपा प्रशासन इसकी तुरंत सुध लेकर जगह जगह जमा हुआ पानी
तालाब बना हुआ जगह का पानी उसको तुरंत निकासी करें, और साथ में आज बारिश की अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान लोगों का हुआ उस नुकसान की भरपाई करने में राज्य सरकार पहल करे, ऐसी मैं मांग करता हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।